मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस प्रकार से अभी फिर से सक्रिय नजर आ रहे हैं राजस्थान, लेकिन करौली की हिंसा के बाद देखा जाए तो स्थिति राजस्थान में कांग्रेस सरकार को लेकर काफी विपरीत नजर आई और इसका फायदा जमकर उठाती नजर आई है विपक्षी। जी हाँ, विपक्षी दल से भारतीय जनता पार्टी ने गहलोत सरकार को जमकर निशाना बनाया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी तंज कसा अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य में किस तरह से दंगे फसाद हुए हैं ये कहा है, और तो और हिंदुओं को अपने त्योहारों के लिए किस तरह से सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है ये भी कहा गया। ऐसे में गहलोत सरकार पर मुसीबतें तो आई ही हैं, और इन सब के बीच केंद्र सरकार पर बात करने वाले गहलोत सरकार अभी तक अपने ही खेमे की लड़ाई को सुलझा नहीं पाए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बीते साल अक्टूबर के महीने में आखिरी बार साथ साथ सचिन पायलट और अशोक गहलोत नजर आए थे, और आज सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की ये दूरियों का फिर से देखा जाए तो चर्चा बन गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस साल के अंत तक गहलोत सरकार को बदला जा सकता है, यानी कि कांग्रेस के आला कमान जो है गहलोत को हटाकर मुख्यमंत्री के पद पर सचिन पायलट को बैठा सकती है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सचिन पायलट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट के नाम पर कांग्रेस ने वोट बटोरा और फिर जनता को धोखा दे दिया, अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। अब सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच दूरियां इस बात की तरफ इशारे करती है, अशोक गहलोत भी इस तरह से वाकिफ है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी है और बीजेपी इसे हवा दे रही है जोरों शोरों से अशोक और सचिन के बीच दूरियां बनाने के लिए। हाल ही में बीजेपी नेता सीपी जोशी ने भी कहा कि साल के अंत तक राज्य के मुख्यमंत्री बदल सकते हैं और सचिन को कुर्सी पर बिठाया जा सकता है। अब इन सब के बीच आपको बता दें कि किस प्रकार से इन दोनों के बीच दूरियां चर्चा में बना हुआ है। दरअसल उपचुनाव के बाद भी इन दोनों को एक साथ नहीं देखा गया। सीएम गहलोत के रात्रि भोज की बात करेंगे हम, विधानसभा सत्र के दौरान जब सचिन पायलट वहां भी नदारद रहे, भाजपा और पायलट गुट के कई विधायक और मंत्री उस रात्रि भोज में शामिल हुए थे, लेकिन सचिन पायलट वहां भी नहीं पहुंचे थे। 15 अप्रैल को कांग्रेस सेवा दल की आजादी की गौरव यात्रा की सभा में पायलट शामिल नहीं हुए, और वहां पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन, सीएम गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह पहुंचे। तो आपको बता दे अभी तक ऐसे कई आयोजन हुए हैं जहां पर सचिन पायलट पहुंचे हैं तो अशोक गहलोत वहां उनके साथ नहीं दिखे हैं, और अशोक गहलोत तब पहुंचते हैं जब सचिन पायलट वहां से निकल जाते हैं। हाल ही में धरना प्रदर्शन रखा गया महंगाई के खिलाफ, जिसमें सीएम अशोक गहलोत पायलट के जाने के बाद ही शामिल हुए। जयपुर में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी। उपचुनाव में भी हेलीकॉप्टर में जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट को देखा गया था तो वो भी आज नहीं, आज आपको बता दें कि 8 अक्टूबर की बात है ये। इसके बाद अभी तक इन्हें साथ साथ नहीं देखा गया। भाजपा विधायक के जाने के बाद उनसे मिलने के लिए अशोक गहलोत पहुंचे हैं, लेकिन सचिन पायलट वहां उनके साथ नजर नहीं आए। तो आपको बता दें सचिन पायलट की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बढ़ती नजदीकियां, बीकानेर में राजनीति में रगड़ाई की बात आपको बता दें कि सबसे ज्यादा पायलट पर निशाना साधा गया, और इसके बाद सीएम ने कहा यूपीए 2 में उनकी बदौलत ही सचिन पायलट मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री बने थे। सीएम गहलोत ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में स्पष्ट कहा राजस्थान से बाहर नहीं जाने वाले हैं सचिन पायलट, और जब से उन्होंने ये कहा कि पायलट को ये बात मन में खटकने लगी है, ऐसा क्यों कहा अशोक गहलोत ने, और इसीलिए देखा जाए तो सरकार गिराने का बयान देकर इशारों में सचिन पायलट पर निशाना साधने वाले सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत का इस तरह का स्टेटमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, जिसके कारण के बीच की दूरियां अभी भी बरकरार है। नेक्स्ट 9 न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।